हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, नेटबीन्स आईडीई। आईडीई का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम अपने मल्टी यूज़र्स, यूज़र फ्रेंडली ग्राफिकल यूज़र के साथ एक अच्छा सा ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इसमें GUI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र को इंटरफेस को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेटबीन्स 1996 में वेरीफाई हुआ था, जिसको बोला जाता है जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेटबीन्स IDE ये हम जावा में यूज़ करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेटबीन्स IDE इज़ अ फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इनेबल्स यू टू डेवलप डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस। द IDE सपोर्ट्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जावा, HTML5, PHP एंड C++। The IDE provides integrated support for the complete development cycle and project creation through debugging, profiling and deployment. The IDE runs on Windows, Linux, Mac OS X and other Unix-based system. NetBeans एक free open source integrated development environment है। फ्री और ओपन सोर्स को मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ओपन सोर्स क्या होता है और फ्री मतलब क्या होता है। यहाँ पे है ना, जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप मोबाइल या डेस्कटॉप या वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। आईडी एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती हैं, जैसे जावा, HTML5, PHP एंड C++। यहाँ पे हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब होता है कि हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई गलती होती है तो उससे सुधार सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसके लिए कोई स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, नेटबीन्स के कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला है हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग हाई क्वालिटी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, बेस्ट सपोर्ट फॉर लेटेस्ट एडवांस जावा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, फास्ट एंड स्मार्ट कोड एडिटिंग। नेक्स्ट, सपोर्ट रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। एंड नेक्स्ट, इनेबल यूजर्स टू राइट बग फ्री कोड। हिंदी में देखते हैं इसके एडवांटेजेस, नेटबीन्स के फायदे। उच्च गुणवत्ता वाले अनुप्रयोग के विकास की लागत को कम करने में मदद करता है। नवीनतम अग्रिम जावा टेक्नोलॉजी के लिए सर्वश्रेष्ठ समर्थन है। फास्ट और स्मार्ट कोड संपादन है। तेजी से अनुप्रयोग विकास तंत्र का समर्थन करें। उपयोगकर्ताओं को बग फ्री कोड लिखने में सक्षम करें। बग फ्री कोड से यहाँ क्या मतलब है, एरर फ्री कोडिंग। ये हमें ऑटोमेटिकली क्या हमारे प्रोग्राम में गलती है, कहाँ एरर आ रही है वो बता देता है, जिसको रेक्टिफाई करके हम बग फ्री कोडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ एडवांटेजेस हम लिख सकते हैं, जैसे ये फ्री और ओपन सोर्स है ना, कनेक्टेड डेवलपर है, पावरफुल GUI बिल्डर है, सपोर्ट फॉर जावा स्टैंडर्ड एंड प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत सारे जावा स्टैंडर्ड और प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, प्रूफिंग एंड डिबगिंग टूल हमें देता है, डायनामिक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, एक्सटेंसिबल प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हमें नेटबीन्स के हैं, जिसकी मदद से हम बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स को यूज़ करके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जावा में न्यू प्रोजेक्ट बनाने की और कैसे नेटबीन्स आईडी के साथ हम काम करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल वीडियो में मैं सेंड करूँगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर में नए प्रोजेक्ट को बनाने की, कंट्रोल्स को ऐड करने की पूरी प्रोसेस है, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं आपको प्रैक्टिकल का वीडियो सेंड करूँगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।